हिमाचल प्रदेश में मानसून के साथ हादसों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि कई हादसे मानसून की वजह से ना होकर प्रशासन की लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया शिमला के चौड़ा मैदान इलाके से, जहां शुक्रवार शाम को सड़क धस जाने के कारण उसका मलबा दीवार को तोड़ता हुआ घर के अंदर घुस गया। मलबा घुसने से मकान में रह रहे परिवारों के सिर से छत छीन गई। गनीमत यह रही कि यह हादसा शाम के समय हुआ और घर में रह रहे लोगों को सड़क धसने का पता चल गया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोई सुनाई नहीं की तो वापस वो आ गया, हमने देखा कल की वापस आ गया है। तो मैंने मम्मा को बुलाया, मैं मम्मा बाहर ना मिट्टी गिर गई है, आप देख लो एक बार। मम्मी भी आ गए बाहर, मैं फिर से अंदर चली गई और छोटी सिस्टर भी बाहर आ गई देखने के लिए। और जैसे ही हम बाहर आए उतने के लिए ऊपर से आ ही गया सारा, भाई भी अंदर था, भाई को आवाज़ मारी कि बाहर आ जा, बस तो देख ले जो होगा, बस बाहर निकलने की गई सर। उस टाइम तो कुछ भी नहीं दिख रहा था कि सामान खुद, बस सब बाहर की तरफ दौड़े हैं, बस सब जान बस जाते जाते गई है, बची गई 5 बजे शाम को। सर वजह ये है कि सर जो म्यूज़ियम का सारा पानी है ना सर, वो सारा यहीं नीचे आता है। ऊपर से इन्होंने प्रॉपर ड्रेनेज नहीं बनाया है सर, ऊपर से नाली तो बना दी है पर नीचे कहाँ जाएगा वो पानी, वो सारा ज़मीन में रिस रहा है नीचे, जिस वजह से सर ये जो पूरा डंगा ये बाहर की तरफ आ गया था। हमने MC वालों को कंप्लेंट की, रोड एंड डेवलपमेंट वालों को कंप्लेंट की, हमारी काउंसलर को भी कॉल किया, उन्होंने उनका फ़ोन कल बंद पड़ा था, तो हमने पहले भी उनसे कॉल किया था जब मोदी सर आए थे यहाँ पर, तब वो यहाँ आए थे बात करके गए, पर उन्होंने उसके बाद भी कुछ नहीं किया सर। हमने इतनी रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ आप देख लीजिए, सर से भी खोखले वादे होते हैं कि हाँ हम करेंगे करेंगे, सर कुछ भी नहीं किया है। और आज देख लो आप कितना काम कर रहे हैं कि सारा, जैसे यही की थी हमने कॉल, फिर उनका आया था कि हम आपका करेंगे कुछ, मतलब देखेंगे हम कि क्या हो सकता है। फिर उनका 2 दिन पहले फिर से कॉल आया था कि सर कोई आए थे, हमने लगा सर कोई भी नहीं आए थे यहाँ पर, तो चेक करने कोई नहीं आए, बात करने कोई नहीं आए। फिर सर कल मैंने उनको दोबारा कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि हाँ आपकी कंप्लेंट है। मैं कहा सर कंप्लेंट है, मैं कहा ठीक है आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या किया। तो उन्होंने बोला कि मैम अभी आपकी कंप्लेंट के ऊपर जो है काम चल रहा है। मैंने बोला सर आप काम रहने दीजिए, मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ देती हूँ कि हमारा घर टूट चुका है, सारा डंगा नीचे आ चुका है, और आप जो है अब ये अपने ऑफिसर्स को ये कंप्लेंट दे दीजिएगा कि अब हो गया है जो होना था, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, अब जो होना था सो हो गया है। तो सर यही है सर, बहुत ढीला है प्रशासन यहाँ पर सर, बोल के तो गए हैं, अब SDM सर आए थे कल, बाकी अब देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी तो कई साहब आए थे, SDO वगैरह आए थे ना, तो बस बोल के गए, अभी कुछ किया नहीं। हाँ SDO सर आए थे सुबह, तो उन्होंने बोला करते हैं हम आपके लिए रहने का प्रबंध करते हैं, तभी बोल के गए, अभी किया कुछ नहीं, बोल के गए रहने के लिए कुछ नहीं किया। तो रात को तो कर दिया था हमारे को ना रहने के लिए होटल में कर दिया था रूम बुक, तो वहाँ काटी हमने। अच्छा वहाँ पर मैं नहीं रह सकते ना सर, वहाँ को भी एक स्थायी निवास चाहिए।